हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ महेंद्र माली। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों देसी जरबेरा के बारे में। ये देसी प्लांट है, देसी जरबेरा का प्लांट है और ये हाइब्रिड का भी आता है। तो ये देसी है जो परमानेंट चलने वाली प्लांट है और ये भी फ्लावरिंग करना अच्छे से कर रही है फ्लावरिंग। इसके फूल भी बहुत सुंदर है। तो इसके जो फूल है अच्छे से अभी फ्लावरिंग कर रही है। मार्च में भी अच्छे से, ये गर्मी के दिनों में भी अच्छे फ्लावरिंग करेंगी। तो ये आप देख सकते हो, ये नीचे से भी है कलियाँ आ रही हैं। आप देख सकते हो ये कलियाँ है, ये भी कलियाँ हैं। और अंदर से मैं दिखाता हूँ कि इससे लिखा रही अच्छी ग्रो कर रही है। तो आप इसको समर के लिए भी अच्छे है, समर में अच्छी फ्लावरिंग करती है देसी जरबेरा। तो इसकी ज़्यादा देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको जो है नो मेंटेनेंस, इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है देसी को। बस इतना ही ख्याल रखना है दोस्तों कि अगर जरबेरा प्लांट हम लगाते हैं तो आप ये जो है जड़ यहीं तक ही रहने चाहिए, ये पर ढकना नहीं चाहिए। जड़ की जो है जड़ ढकने से थोड़ी सी गलने की चांस रहता है। तो ये आपका ये ऊपर से ही है, ये पूरा ऊपर आ गई है, ऊपर ही रहने चाहिए जड़। इसकी जो जड़ी की जो गांठ है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, नीचे होने से थोड़ी गलने की चांस रहते हैं। और ये पहले मैंने एक लगाए थे, जैसे ये एक अभी इतने बन गए, इतने पौधे बन गए दोस्तों। आप देख सकते हो ये एक पौधे बन गया ऐसे झाड़, ये ऐसे तैयार हो गए प्लांट। जैसे आप देख सकते हो ये प्लांट तैयार हो गया, ऐसे बहुत सारे एक से बहुत सारे बन गए। और आप इसकी जो लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, जैसे यहाँ से आप निकाल के लगा सकते हो, इससे यहाँ से आप एक निकाल सकते हो और यहाँ से आप लगा सकते हो। आसानी से लग जाते हैं। और इसको आप नर्सरी से खरीदना चाहे तो आप नर्सरी से खरीद सकते हो और ये आपको मिल जाएगा नर्सरी में। इसकी प्राइस है 40 रुपये से 50 रुपये तक की है। फ्लावर मिल जाती है जरबेरा का, ये बहुत सुंदर प्लांट है। और जो सिर्फ पानी की वाटरिंग की बात करेंगे तो दोस्तों ये वाटरिंग है तो इसको आप सिंपल पानी देना, इतनी ज़्यादा भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मी के मौसम में आप इसमें अच्छे से पानी डाल सकते हो, बाकी ये ख़राब तो नहीं होता। वो जो है ये वाटरिंग आप कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है जिससे गल जाए। तो दोस्तों ये फ्लावर अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और जो इसकी पत्तियाँ हैं दोस्तों, तो इसको पत्तियाँ आपको नीचे से निकालने हैं। जैसे ये सूख गया, मैं सारे निकाल दिए यहाँ से, ये क्लीन लग रहा है। और इसकी सफाई कर देता हूँ ताकि ये सुंदर लगे, सुंदर दिखे। तो ये इस तरह से इसे सुंदर है। और इसके फर्टिलाइजर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये आप वर्मिंग कंपोस्ट है, ग्रोमोर है, ये दे सकते हो। लेकिन मैं इसमें गोबर की वर्मिंग कंपोस्ट दिया है और इसमें और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये इजी ग्रो हो जाता है, जो देसी प्लांट है, देसी प्लांट इजी ग्रो है। और इसको सनलाइट की बात करें मैं दोस्तों, तो ये सनलाइट में रह जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सनलाइट अगर कम है तो भी चल जाता है, लेकिन सनलाइट कम से कम इसको 2 से 3 घंटे सनलाइट मिल जाए तो बहुत काफ़ी है इसके लिए। तो सनलाइट 3 से 4 घंटे यहाँ मेरे प्लांट को मिलती है और ये बहुत सुंदर ग्रो हो रहा है। इस तरह से एक और प्लांट है दोस्तों, ये मेरे पास ये भी मैंने इसी से निकाल के, इससे मैंने निकाल के जैसे ये अलग करके यहाँ से अलग करके मैं ऐसे लगाया था, जो आज ये भी रखना हो गया और ये फ्लावरिंग करना भी चालू कर दिया गया। छोटे से फ्लावरिंग आ रही है और अंदर से भी आ रहा होगा क्योंकि मशीन चालू हो गया इसका। तो दोस्तों ये प्लांट अलग अलग कलर में भी उपलब्ध है। और ये मेरे पास पिंक है और जिसके वाइट पिंक ऐसे भी मिलता है और मिक्स टाइप का। और इसके रेड है, येलो है, इसके अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं। और ये देसी प्लांट बहुत बढ़िया प्लांट है, जो वो चलता रहता है और ख़त्म मरने का जो चांस नहीं रहता, ये अच्छे प्लांट है।
तरह से आप देख सकते हो मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो हो गया है, तो भर गया। तो दोस्तों हमारा ये जरबेरिया का प्लांट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट वमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।